हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मैं आ गया हूँ फॉरेस्ट में फिर। जैसे कि देख सकते हो, अपने हाथ में है मॉडर्न एक्स, जो कि अपन ने लास्ट टाइम जाके लिया था एक एंट्रेंस केव से। तो आज आप लोग कुछ फॉरेस्ट में डिफरेंट देख सकते हो, जो कि है मैंने थोड़ा बहुत गेम का ग्राफिक्स बढ़ा दिया है। मैं स्ट्रीम के लिए थोड़ा ग्राफिक्स कम कर देता हूँ, तो आज मैंने ग्राफिक्स बढ़ा दिया क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ। तो और आप कुछ चीज़ें देख सकते हो कि मैंने ऊपर का फ्लोर कंप्लीट कर दिया है और यहाँ का स्टेयरकेस भी कंप्लीट कर दिया मैंने। तो ये पूरा अपन का बन गया है टॉप फ्लोर। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आज मैं कुछ डू नॉट वरी, इतना कुछ काम नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है वॉल्स। या गाइस, वॉल्स। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत विंडोज लगा देते हैं। यहाँ पे अपन को डोर की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ विंडोज लगा देते हैं यहाँ पे। प्रॉबली शायद यही लास्ट फ्लोर होगा अपना, या फिर इसके ऊपर एक बना के वहाँ से मैं एक स्टेशन बना सकता हूँ, जहाँ से मैं एस्केप के लिए पूरे रोप सिस्टम लगा दूँ। तो ये है अपना ब्लूप्रिंट। तो 48 लॉग्स चाहिए, तो वो मैं बाद में करूँगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग सोच रहे होंगे। आज हम लोग जाएंगे और लेके आएंगे चेनसो। लेकिन चेनसो लाने से पहले हम लोग को एक और काम करना है, जो कि है जाके क्लाइंबिंग एक्स लेके आना। क्योंकि क्लाइंबिंग एक्स से क्या होता है, थोड़ा बहुत अपन थोड़े वॉल्स रहते हैं जिसमें हम लोग चढ़ सकते हैं। तो वो वॉल्स हम लोग चढ़ने के लिए अपन को प्रॉबली या क्लाइंबिंग एक्स चाहिए। क्योंकि जो अपना चेनसॉ का लोकेशन है, वहाँ से बाहर निकालने के लिए अपन को क्लाइंबिंग एक्स चाहिए। तो वहाँ पे बोट है, तो इस तरफ जाना है अपन को। फिर से अपना जो नॉर्थ फेसिंग माउंटेन है, वहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोगों को। और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे फॉरेस्ट में एक बड़ा सा होल है दोस्तों। यप, देर इज एन होल इन द ग्राउंड, जो कि बहुत 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 बड़ा है। जैसे ऐसे लगेगा कि शायद कुछ मीटियोराइड वहाँ पे आके गिरा है। तो उसके राइट बाजू में होना चाहिए अपना केव एंट्रेंस, जहाँ पे हम लोग को जाके क्लाइंबिंग एक्स मिलेगा। तो हम लोग को बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा दोस्तों। मेरे पास आर्मर वार्मर भी नहीं है बिल्कुल। लेट्स होप वी डू दिस विदाउट डाइंग, क्योंकि मरेंगे तो पछताएंगे दोस्तों। ऑलराइट, तो हम लोग आई ओ शिट, बारिश गिरने वाला है। ओ लॉल, ओके। तो ये आ गया है अपन नॉर्थ फेस माउंटेन की तरफ। तो वो है नॉर्थ फेसिंग माउंटेन दोस्तों। तो नॉर्थ फेसिंग माउंटेन क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि माउंटेन है नॉर्थ साइड में, इसलिए नॉर्थ फेसिंग माउंटेन करके प्रॉबेबली उन लोगों ने नाम दिया है। जिस किसी ने भी ये गेम खेला है, उन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ मैं। तो अपन को लास्ट टाइम अपन उस तरफ गए थे अपने कैनिबल कैंप के लिए, तो इस बार हम लोगों को इस तरफ जाना है। लेट्स मेक आवर वे थ्रू दिस गाइस। तो यहाँ पे एक रिवर होना चाहिए। कैनिबल्स 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 ईटवल्स। आई होप दोनों लोगों ने उन लोगों ने मेरे को देखा नहीं होगा करके सोच रहा हूँ। आई गेस उन लोगों ने देख लिया है। सो लेट्स फ्रीकिंग रन गाइस फ्रॉम हियर। अभी मैं किसी से फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि क्योंकि जो अभी हम लोग केव सिस्टम में जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत फाइट करना पड़ेगा। उसके लिए अपन को एनर्जी सेव करना है दोस्तों। तो ये आ गया है हम नॉर्थ फेसिंग माउंटेन की तरफ। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा किस तरफ है वो। थोड़ा ढूंढना पड़ता है दोस्तों इसमें केव एंट्रेंस से सब। तो वही तो है ये गेम का पूरा असली मजा। ये क्या हुआ, योर कोल्ड एंड वेट बिल्ड अ फायर टू गेट ड्राई। ओके, तो इसमें कोल्ड के वजह से भी मरते हैं दोस्तों, बाय द वे। ऑलराइट, तो रात हो रहा है। आई डू नॉट लाइक रात।
ओके तो ये मैं नॉर्थ फेसिंग माउंटेन के ज़्यादा ही करीब आ गया हूँ, तो उस तरफ जाते हैं। आई गेस उस तरफ होना चाहिए, और बारिश भी शायद फास्ट हो गया या फिर मैं पानी में गया इसलिए उसको ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, मेरे को पता नहीं। लेकिन लेट्स फ्रीकिंग डू दिस गाइस, वी विल नॉट लेट आवर सेल्स डाउन। थोड़ा बहुत लाइटिंग कर लेते हैं, वहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे मून आ रहा है बाहर, एंड आई एम गेटिंग वेट एंड कोल्ड, इसके वजह से हम लोग मर सकते हैं। बाय द वे गाइस, ओ ओ ओ ओके, वो था हिरन था, मेरे को लगा क्या आ रहा, म्यूटेंट आ रहा है क्या करके सोचा मैंने। ऑलराइट सो लेट्स फाइंड दिस वे गाइस, किस तरफ है ये। तो यहाँ पे एक लार्ज होल आना चाहिए कहीं, तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन वो नॉर्थ फेसिंग माउंटेन के पास ही होना चाहिए करके याद है मेरे को। सो लेट्स फाइंड आउट वे। ओ एंड आई हर्ट माई सेल्फ विच इज़ वेरी बैड। और मेरे को कैनिबल्स की आवाजें भी आ रही है। ओह आई गेस यही है, क्योंकि ऐसा ही कुछ टेंट सिस्टम था, टेंट, और ये टेंट के बाजू में एक होल आना चाहिए। मेरा लेकिन ये शायद आई थिंक ये चेनसॉ का केव है, अपन को अभी चेनसॉ की ज़रूरत, आई मीन चेनसॉ लेने के लिए भी अपन को थोड़ा बहुत क्लाइंबिंग एक्स की ज़रूरत है। दिखाता हूँ आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ। दैट वॉज अ बिट स्केरी। ऑलराइट तो यहाँ पे आया है अपन, और यहाँ देख सकते हो ये वॉल जो है, यहाँ नीचे तो चले जा सकते हो आप लोग, लेकिन ये वॉल चढ़ने के लिए आपको क्लाइंबिंग एक्स चाहिए। अगर वहाँ नीचे जाते ही आपको मिल जाएगा चेनसॉ दोस्तों, लेकिन ओके मैं कोल्ड हो रहा हूँ, तो देखता हूँ कि इफ़ आई कैन बिल्ड एम फायर इन हियर। लेट्स कूल आवर सेल्व्स, मैं अभी आता हूँ, थोड़ा बहुत कूल होने के बाद बाहर जाके मिलता हूँ दोस्तों। तो ऑलराइट दोस्तों बाहर आ गया हूँ मैं, तो ये था चेनसॉ का लोकेशन, इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक मार्कर लगा देता हूँ मैं, ताकि हम लोग को पता चले कि नेक्स्ट कहाँ पे आना डायरेक्टली। आई डोंट हैव रॉक्स, वेरी नाइस कि मैंने रॉक वॉल बनाने के लिए सब कुछ इस्तेमाल कर दिया था रॉक्स, ओके आई गेस दिस इज इनफ। ऑलराइट तो ये बन गया है, तो इसको कर दे तो रेड, ताकि पता चले कि यही है चेनसॉ का लोकेशन। ऑलराइट तो नेक्स्ट वहीं पे आने वाले हैं दोस्तों, तो वो केव आप लोग को याद है ना। ऑलराइट तो मेरे को जहाँ तक याद है वहाँ होना चाहिए केव एंट्रेंस जो अपन को चाहिए, आई गेस। सो लेट अस फाइंड दिस गाइस। और या ये वाले रिवर में शायद शार्क नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक पॉन्ड की तरह है और ये रिवर नहीं है, मतलब बड़ा पता नहीं, जब ये एक सिर्फ पॉन्ड है। और अपन को बहुत सारे कैनिबल्स की आवाज़ें आ रहे हैं, होपफुली आई डोंट गेट अटैक्ड। इस मूवमेंट मेरा स्टैमिना भी बहुत कम है। आई थिंक यही कहीं है, यस यही कहीं होना चाहिए। एक कैंप, ऐसे ही कैंप साइट रहेगा, उसके ठीक बाजू में एक होल रहेगा, केव, आई मीन केव रहेगा। वो केव के अंदर जाएंगे तो वहीं पे मिल जाएगा, लेकिन वो केव कहा गया, आई मीन वो कैंप साइट कहा गया, ऑन दिस आइलैंड ही रहना चाहिए। लेट्स फ्रीकिंग डू दिस। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को दिखना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा नाइट का ब्राइटनेस भी बढ़ा दिया है मैंने। ऑलराइट
एनिमल्स उधर इधर दौड़ रहे हैं। बहुत ध्यान से रहना चाहिए क्योंकि अभी अपन को कुछ भी फाइट करने के हालत में नहीं है, और अपन फिर से कोल्ड हो रहे हैं, पानी के अंदर जाके आए हैं, राइट, उसके वजह से ही जल्दी से एक केव वो मिल जाए तो उसके अंदर जाके फायर बना सकता हूँ, लेकिन पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा उसका लोकेशन। ऑलराइट दोस्तों, तो आप लोग ये होल देख सकते हो, ओके, यहाँ पे थोड़े बहुत कैनिबल्स है, जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। तो ये है, मैं जो लोकेशन बोल रहा था ये है वो लोकेशन, यहाँ पे कैनिबल्स अटैक कर रहे हैं, सॉरी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बाद में हम लोगों को यही पे जाना पड़ेगा। और जैसे कि देख सकते हो ये मॉडर्न से ये बहुत जल्दी मरते भी है। ऑलराइट तो ये है जो मीटियर कोलिजन हुआ वैसा टाइप रहता करके मैंने एक होल बताया था ना, ये है वो, देखिए कितना डीप है, लेकिन बाद में आप लोगों को वो डीप में वो अंदर जाना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अपना जो या अपना जो स्टोरी को आप लोगों को आगे बढ़ाना है तो उसके अंदर जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ ठीक यहाँ इस तरफ रहेंगे आपके माउंटेन्स, और ये देखिए टेंट जो मैं बोल रहा था, एक ही टेंट रहता है। ऑलराइट, तो ये रहा होल सिस्टम, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत रहेंगे ज़ॉम्बीज या फिर कुछ भी कह सकते हैं उनको। ऑलराइट, लेट्स गेट इनटू दिस गाइस। यहाँ पे म्यूटेंट्स नहीं रहते हैं, उसके वजह से मैंने ये लोकेशन नेक्स्ट चूज किया है, कि म्यूटेंट्स को हराने के लिए अपन को ना बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। ओ ओ ओ, मैंने कुछ और, ओके, तो यहाँ पे आते ही अपन को दिख रहा है एक एंट्रेंस। तो मैं आपके लिए थोड़ा बहुत केव का ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ, होपफुली आप लोगों को दिख जाएगा, या फिर मेरे लाइट की वजह से भी आपको दिख जाएगा, डू नॉट वरी गाइज। तो लेट्स होप वी सर्वाइव दिस। और यहाँ पे छोटे छोटे बेबीज के, म्यूटेंट्स के बेबीज रहेंगे और ज़ॉम्बीज भी रहेंगे। आई गेस यही पे होने चाहिए कहीं तो बेबीज। ओके, आई गेस अपन को दिख रहे नहीं है तो अपन को नीचे उतरना ही पड़ेगा। अब तो मैं अपना स्टैमिना ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के मैं और भी फास्ट जा सकता हूँ, लेकिन मैं अपना स्टैमिना वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इस टाइम इस वक्त। ऑलराइट, यहाँ पे नहीं, ओके, याद आ गया। तो ऑलराइट, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लरी होने वाला दोस्तों, यहाँ से अपन को जाना है और यहाँ से ऊपर आना है। ऑलराइट, सो वी आर हियर। तो ये था एंट्रेंस टू दिस केव। तो यहाँ पे रहेंगे थोड़े बहुत बेबीज, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आई दबाओ, मैंने बहुत सारे डायनामाइट इकट्ठा किया, राइट, इक्विप करता हूँ इसको, लाइट अप करता हूँ दोस्तों। ओह शिट, मैं नीचे गिर रहा हूँ, क्या ब्लास्ट हुआ। आई होप ऑल ऑफ देम आर डेड, आई होप। तो यहाँ पे एक और डाल देता हूँ मैं, ओह शिट, ऑलराइट, दे आर डेड। तो मैं अपना मॉडर्न एक्स बाहर निकालता हूँ, लेट्स जंप इनटू दिस गाइस। एक दो शायद रह गया है, अपन को ध्यान से रहना पड़ेगा क्योंकि अपन को कुछ भी लूज नहीं करना है अभी, हेल्थ या कुछ भी। तो ये है एक जनरेटर सिस्टम, अपन यहाँ पे चाहिए तो आप लोग सेव कर सकते हो गेम, मैं सेव कर लेता हूँ, क्या पता किसको पता कब मैं मर जाऊँ, क्योंकि आगे आगे बहुत कुछ है भाई, भाइयों और बहनों और लड़कियों। ऑलराइट, तो यहाँ से आप लोगों को इस तरफ जाना है, और यहाँ पे आप लोगों को एक स्लिट मिलेगा, स्लिट इन द होल, तो वहाँ पे जाना है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे बहुत ही केयरफुली जाना पड़ेगा। तो ये है जो वहाँ से अपन ने इसको देखा था, तो ये है केव, आई मीन वो जो होल था, इसको मदर नेचर्स जो भी बोलोगे, मीटियोराइट का कोलिजन हुआ है ऐसा टाइप दिखता है, लेकिन कुछ नहीं है, ये नेचुरली फॉर्म्ड एक होल है। तो लेट्स मेक अवर वे टुवर्ड्स लेफ्ट, बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा, दौड़ना नहीं है हम लोगों को।
ऑलराइट, तो आ गया है हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को थोड़े बहुत चीज़ें मिलेंगे जैसे कि बेड बेड किट्स एक्स्ट्रा और बहुत सारा लकड़ी। यहाँ पे ये बॉक्सेस को तोड़ोगे कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा आप लोगों को। ऑलराइट, तो फ्लेयर्स मिले हैं, फ्लेयर्स से अपन लाइटिंग कर सकते हैं। तो ये जो आप लोग को दिख रहा है अभी एक्स करके दिखा रहा है वो एक लोकेशन है गन पार्ट्स के लिए। तो गन पार्ट्स के लिए लोकेशन ऐसा आप लोगों को दिखता है, मिलता है। ऑलराइट, थोड़ा बहुत अपने आप को स्टैक कर लिया मैंने, आगे आगे यूज आएगा उसके वजह से। ऑलराइट, तो लेट्स मेक अवर वे दिस साइड। और यहाँ पे एक और एंट्रेंस टाइप रहेगा, इसके अंदर जाना है अपन को। और यहाँ पे अगर मेरे को याद है तो यहाँ पे थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज भी रहेंगे। और यहाँ पे बहुत ही ध्यान से रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि दिखाता हूँ आपको एक दो मिनट में, एक मिनट या दो मिनट में बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे गिर के मरने का चांसेस भी बहुत सारा है। और यहाँ पे ज़ॉम्बीज और बेबीज दोनों रहेंगे। ये देखो, इधर देखिए सीधा अटैक करने आ गया, मेरे को अटैक भी नहीं करने दे रहा। ओके, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, ऊपर चढ़ रहा हूँ, वहां से एक डायनामाइट गिरा देता हूँ। दैट इज यूजुअली बेस्ट थिंग टू डू, दूर से रहना और अटैक करना। ऑलराइट, टाइम फॉर सम डायनामाइट एक्शन बॉयज। ऑलराइट, आई गेस वो पूरी तरह मरा नहीं है, तो एक और गिरा देता हूँ दोस्तों, थोड़ा दूर ही गिराता हूँ ताकि वहां पे भी कुछ ज़ॉम्बी बेबीज है तो। ओह शिट, क्या ब्लास्ट था। ओके, आई थिंक दैट केयर्स, दैट टेक केयर्स ऑफ दैट। अब एक और बेबी है वहाँ पे, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। उनको एक हिट किल से मार सकते हैं ज़ॉम्बी बेबीज को, सो दैट इज नॉट एन इश्यू। यहाँ पे एक और बेबी है। राइट, आई थिंक वी हैव क्लियर्ड दिस एरिया। ये एरिया थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। आगे एक और एरिया रहेगा जहाँ पे अपन को बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा, यही है वो एरिया। यहाँ अंदर गिरोगे तो बाहर अपने निकाल सकते हो, लेकिन फिर ये एरिया के लिए आने के लिए पूरा घूम के आना पड़ेगा तुम लोगों को। तो बहुत ही केयरफुल अगर आप लोग यही गेम मेरे ट्यूटोरियल से ट्यूटोरियल नहीं मेरा गेम प्ले देख के आप लोग खेलने वाले हो ये गेम, तो बहुत ही ध्यान से रहना दोस्तों, कूदना वूदना। और यहाँ पे ये बॉडी के पास एक गैप रहता है, यहाँ पे आप लोग को पार्कौर करना है। ये बॉय पार्कौर, ऑलराइट। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आप लोगों को एक और ज़ॉम्बी और बेबीज मिलेंगे, बहुत ही ध्यान से रहना पड़ेगा आप लोगों को। ऑलराइट, पर पीस पीस हो गया बेबीज तो। और यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी रहेगा, ओ एक्चुअली दो ज़ॉम्बीज आई गेस। ओ शिटवा, I can't see anything. Okay. Okay. That was dangerous, guys. मेरे को ये वाला आगे रखना है, क्योंकि वो तो मॉडर्न एक्स है। That is indeed powerful, but it is slow as hell. पहले बेबीज को मारना पड़ेगा। Oh shit, I'm low on health. नहीं, ये चढ़ लेता हूँ मैं। ओके,
ये चढ़ना नहीं था, नीचे ही मिल जाएगा अपन को क्लाइंबिंग एक्स। ओ मेरे पास कॉम्पास है, मेरे को पता नहीं था। ओके ऑलराइट ओके, अपने पास डायनामाइट भी शायद खत्म हो गई। या मैन थोड़ा बहुत लाइटिंग कर लेते हैं। Let's freaking kill this guy. F you. तुमको पता था अगर मैं ये थोड़ा बहुत एरोस बो बना लेता तो हो जाता अपना काम। Right. I think दूसरा बंदा शायद नीचे गिर गया। मेरे को लगता है दूसरा बंदा यहाँ से नीचे गिर गया है। और वो बेबी भी, वो बेबी तो वहां पे। Is it dead? Yep, it is dead. Okay, I think, yep, the other guy, I think वो नीचे गिर गया। या फिर यहाँ कॉर्नर पे। Hello, anybody there? Okay, I don't think there is anyone over here. तो यहाँ पे सीधा देख, ओ यहाँ पे ये देखिए चेनसॉ का एक फोटो है। तो और यहाँ पे देख सकते हो ये है क्लाइंबिंग एक्स दोस्तों। इससे आप जैसे कि ये देखो अभी चढ़ी गया अभी है ये। ऑलराइट तो चलिए पीछे चलते हैं। अपन को मिल गया है क्लाइंबिंग एक्स, अब पीछे चलते हैं और लेट्स गो नियर द चेनसॉ एरिया। तो मैं आप लोगों को अभी मिलता हूँ चेनसॉ एरिया के पास जाके। ऑलराइट दोस्तों तो आ गए हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैं अपना पिकैक्स क्लाइंबिंग एक्स निकालता हूँ बाहर और चलिए ये होल के अंदर एक और एडवेंचर करने के लिए। तो अभी हम लोग को यहाँ पे फाइट करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा आई होप। मेरे को जहाँ तक याद है यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो लेट्स फ्रीकिंग मेक आवर वे थ्रू दिस गैप। ओह शिट ओके, लेट्स फ्रीकिंग मेक आवर वे थ्रू दिस गैप। और यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइटिंग कर दूँ इस ये वाला। ओह शिट इसके ऊपर से चल गया। सॉरी लेडी व्हाट हैपेंड टू यू एंड आई डोंट वांट टू टॉक। ऑलराइट तो यहाँ पे है ये जो लोकेशन, यहाँ पे चढ़ने का है हम लोगों को। तो बार बार मेरा वेपन क्यों चले जा रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को नीचे उतरना है। खुद के भी आ जा सकते हो लेकिन वो फिर ऊपर चढ़ने के लिए आपको मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों अपन को एक ड्रॉप मिला। ऑलराइट तो यहाँ नीचे चलते देखते क्या हो रहा है। इज अ लॉन्ग गैप। ऑलराइट I think we are very close. Yes, we are very close. Okay. So, यहाँ पे ये सब देख रहे हो आप। तो यहाँ पे तो चेनसॉ है ही नहीं करके सोच रहे होगे। लेकिन आप लोग रॉन्ग हो दोस्तों। ये रहा चेनसॉ। और किधर गया? ये रहा। Alright. और यहाँ पे देख सकते हो आप गैस भी दिखा रहा है वो। ये गैस। चेनसॉ मिल गया अपन को। राइट ये बहुत लाउड है तो लेट्स कीप इट अवे। और ऊपर जाके देखते एक पेड़ को काटने में कितना देर लगता है अपन को इससे। राइट इससे पेड़ काटने में बहुत ही आसान होने वाली है। और वो जो मेन मेन कैनिबल कैंप है वहां से अपन को गैस भी स्टॉक अप कर सकता रहता हूं मैं। पता नहीं क्या बात कर रहा था बीच में मैं संस्कृत पता नहीं। Alright, तो लेट्स गेट बैक टू द बेस गाइस। अपने बेस वापस चलते हैं। तो मैं आप लोगों से जैसे ही मैं बेस के पास जाता हूँ वहां पे मिलता हूँ दोस्तों। गिव मी अ मोमेंट। Alright दोस्तों तो ये आ गया अपन अपने घर के पास। तो लेट्स फ्रीकिंग इक्विप
The chainsaw. Alright. So let's freaking do this. Oh shit, that was fast. Oh shit, 5 second kuch aisa laga cut karne mein. Wow. Alright. Fast as hell. इससे तो डिफॉरेस्टेशन का आसानी से हो जाएगा लोग. Oh shit. इससे तो ऐसे ही अपना घर बन जाएगा दोस्तों. Lol. और अपना मॉडर्न एक्स को भी अपन को थोड़ा बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा फास्ट और बाकी चीजों में. उसके लिए फेदर टूथ वो सब लगते हैं. तो यहाँ पे मैं अपना लॉक्स लेके लॉग होल्डर में डाल देता हूँ. तो यहाँ पे एक बार मैं ऊपर जाके एक बार गेम सेव कर लूँ. एक्चुअली सेव करने से पहले सो जाऊँ मैं. डे टाइम में सेव करने से अच्छी बात है. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया डे 7 दोस्तों. ऑलराइट, तो आज का एपिसोड मैं यहीं पे एंड करता हूँ. और आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. एंड इफ यू डिड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप ए लाइक दोस्तों. मैं एक जब तक आप लोग को पसंद आएगा तब तक ये सीरीज में करता रहूँगा. आई मीन एक बार पूरा स्टोरी ख़त्म होने के बाद चाहिए तो मैं सिर्फ बिल्डिंग के लिए क्रिएटिव मोड लाके, क्रिएटिव मोड नहीं ऐसे ही बिल्डिंग कर सकता हूँ स्टोरी को बाजू में रख के. क्या बोलते हैं आप लोग ही बोलना दोस्तों. ऑलराइट, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड इफ यू नोटिस चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप ए लाइक एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल टू गेट द नोटिफिकेशन एवरी सिंगल टाइम आई स्ट्रीम. So, and remember guys, if you're not smiling, you're doing it wrong. Alright, bye bye. Assalamualaikum. Sayonara. Ravan logging out. Peace guys.